मित्रों, कविता मंजरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी की एक कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कविता में महादेवी वर्मा ने प्रकृति रूप में नारी, जो बदली से संबोधित हुई है, उसके दुख की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। जल से भरी बदली ऐसी स्त्री के रूप का चित्रण है जो विश्व को जीवन प्रदान करती है। परंतु ये कैसी विडंबना है कि सारे संसार को जल से सींचने वाली बदली का आकाश में मानो अपना ही कोई स्थान नहीं है। महादेवी जी ने जिस समय इस कविता की रचना की थी, उस समय हमारे समाज में स्त्री की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज आप देखते हैं। उसका जीवन संघर्ष से भरा था और वो अपना सर्वस्व अपने परिवार पर न्योछावर करने को ही एकमात्र सुख समझती थी। उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। ऐसे समय में महादेवी वर्मा ने स्त्रियों के इस मर्म को जाना और लगभग अपनी सभी रचनाओं में उसे व्यक्त किया। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का शीर्षक ही इतना सुंदर है जो कविता के पूरे भाव को व्यक्त कर देता है। मित्रों, इस कविता को सुनकर आपके मन में भी स्त्री की स्थिति को लेकर कुछ विचार उठे होंगे। वर्तमान अथवा स्वयं के संदर्भ को सामने रखते हुए क्या आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं?